एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे लोन चाहिए था। फोन नहीं, लोन। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा पान थूक के बात कीजिए। अरे क्या करता है यार तू? बस सॉरी भाई, अरे लात खाते खाते बैठ गया। फोन नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं लोन लोन और केवल लोन। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लोन लोन और केवल लोन। तो मतलब लोन 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 क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लोन चाहिए। यानी कर्जा? हाँ कर्जा। अब कर्जा हम कहाँ से दे? मैं आपसे थोड़े मांग रहा हूँ। देखो बहन जी, अभी अमी से कह रहे हैं कि लोन चाहिए लोन चाहिए, अब अमी से कह रहे हैं आपसे कौन मांग रहा। नहीं नहीं, मुझे आपसे लोन नहीं चाहिए था। तो भैया रिश्ते चाहिए जाके उससे ले लो, हमारा भेजा मत कर। तो मुझे बैंक से लोन चाहिए। तो बैंक से ले लो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना होता है? तो मेरी जान बोलो प्रोसीजर। फॉर्म भर दो। अच्छा फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? वहाँ। भाई साहब वहाँ पे दो लाइनें हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, तो कौन सी लाइन में जाऊं मैं? राइट वाली। राइट वाली, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब कार लोन? नहीं, सब्जी लेने आए। अरे तब तो गलत जगह आ गया, ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ तो कार लोन मिलता है, कार लोन का मेला चल रहा है, देखा नहीं आपने चारों तरफ लिखा हुआ है? तो आपको नहीं दिखता जो मुझे पूछ रहे हैं, कार लोन लेने आए? एक तो ये औरत तब से फोन पे लगी हुई है, ऊपर से आप। नाराज मत होइए ना, चलिए चलिए चलिए। फॉर्म चाहिए? हाँ फॉर्म। हाँ लाइन में लग जा। पर उन्होंने तो बताया। मैंने बोला ना लाइन में लग जा यार, नहीं तो कोई और आ जाएगा। यही तो, ये तो गलत बात है ना। देखो खाना वाना बनाना तो मिल बांट के बनाना चाहिए ना। तू बोल ना तेरी सास को, एक टाइम का खाना वो बनाएगी, दूसरे टाइम का तू खाएगी। हाँ यही तो। मैडम नहीं नहीं, मेरी सास खाना नहीं बनाती, उसको नहीं आता, मेरे हस्बैंड बनाते हैं। मैडम यही तो। हेलो मैडम, हाउ डू यू डू? एक मिनट मैं बाद में फोन करती हूँ। ये क्या है, हाथ क्यों पकड़ा, हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की? अरे आप ही ने तो हाथ दिया। आप? मैंने हाथ दिया? हाँ हाँ, शेक हैंड करने के लिए। हेलो हाउ डू यू डू मैडम। दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने हाथ बढ़ाया था फॉर्म मांगने के लिए। पर आप फॉर्म क्यों मांगेंगी, आप तो देंगी ना। क्या फॉर्म? मैं फॉर्म दूंगी? फॉर्म तो तुम दोगे। मैं फॉर्म दूंगा? बैंक में आप काम करती है कि मैं करता हूँ? मैं। तो फिर फॉर्म आप देंगी कि मैं दूंगा? आप। मैं दूंगा। अरे लोन तुम्हें चाहिए या मुझे? मुझे चाहिए। तो फिर फॉर्म तुम दोगे ना? नहीं आप देंगी ना। पागल हो क्या? नहीं तो? तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती, लोन चाहिए तो फॉर्म जमा करना पड़ता है उसके लिए। मैडम अब आपने कह दिया, मैं पूछूं? हाँ? मैडम आप पागल हैं क्या? नहीं तो? तो इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती कि फॉर्म जमा करने से पहले फॉर्म मिलना चाहिए ना। तो क्या अभी तक तुमने फॉर्म लिया ही नहीं? आपने दिया ही नहीं। क्योंकि यहाँ फॉर्म मिलता ही नहीं। फॉर्म यहाँ नहीं मिलता? नहीं, यहाँ फॉर्म जमा होता है। पर प्यून ने तो बोला था वो राइट साइड वाली लाइन में लग जाना। किसकी राइट? वो प्यून की राइट। और तुम अपनी राइट में आ गए ना, वहां जाओ लेफ्ट में, वहां फॉर्म मिलता है। किसके लेफ्ट में? अपनी लेफ्ट में। जी क्या यार, दिमाग खराब है क्या? अच्छा खासा मैं उस लाइन में जा रहा था, यहाँ लगवा दिया। तो ठीक है ना, तो मैं भी तो लगा हुआ था ना। अरे तुम पागल हो तो हम भी पागल हैं क्या? ए यार एक तो मदद करो लोगों की, ऊपर से पता नहीं क्या यार किस तरह के लोग हैं क्या। भाई साहब एक फॉर्म। थैंक यू। हो गया जी, 1:30 बजे पूरे? जी हाँ पूरे। घड़ी सही है ना? रेडियो से मिलाई हुई है। थैंक यू। लंच ब्रेक। अरे पर भाई साहब कहा ना लंच ब्रेक। नहीं पर भाई साहब अभी 1:30 बज गए है ना। पर भाई साहब अभी 2:30 बजे आना। ओ बढ़िया, कहाँ जा रहे हो यार? यार तुमसे कितनी बार कहा है, जब खाने के लिए जा रहा हूँ मत ठोका करो मुझे यार। मैं भी कैंटीन ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। चलो चलो। अरे 2:30 बजे का क्या गया था, 2:45 हो गए हैं, अभी तक नहीं आया। ये माँ। अरे साहब एक फॉर्म दीजिए। अरे भाई साहब लाइन में जाइए, कब से खड़े हैं भैया? नहीं लंच से पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ लेकिन अभी लंच के बाद ये है ना पहले। तो लेकिन मेरा नंबर? लास्ट में आपका नंबर। क्या? हाँ किसने बोला था लाइन छोड़ के जाने को? चलो बैठिए वहाँ। हाँ जी 100 रुपये दीजिए। नेक्स्ट। एक फॉर्म दे दीजिए। मरी माँ। टाइम क्या हुआ, 3 बज गए क्या? आप फॉर्म दे दीजिए, फिर जितना कहेंगे ना उतना बजा दूंगा। डर गए क्या? लाइए 100 रुपये। जी ये लीजिए। पटेल साहब कोटा पूरा हो गया। अच्छा। ओके ओके। तो फॉर्म?
नहीं अभी फॉर्म नहीं मिल सकता, क्या है लोन का कोटा पूरा हो गया ना, अब फॉर्म नहीं बांट सकते। कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब, मैं तो सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। सॉरी जेंटलमैन। अरे आप समझ नहीं रहे हैं पटेल साहब, अगर मुझे कार लोन नहीं मिला, मैं कार नहीं खरीद सका, तो मेरी तो बीवी भाग जाएगी। नो प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मुझे लोन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मगर फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो फॉर्म तो है ही नहीं ना। अरे कौन कहता है फॉर्म नहीं है, अभी तो कहा पटेल साहब ने। अरे हमसे पूछो, पूछो है। ठीक है आपसे पूछता हूँ, है? हाँ है, 300। 300? 300? ये तो ब्लैक है। ब्लैक कहाँ है, एकदम व्हाइट है देखिए। अरे मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम तो ब्लैक में बेच रहे हो। हाँ लोगे बोलो। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। पहले दो। क्यों विश्वास नहीं मुझ पे? अरे आपको भी तो मुझ पे विश्वास नहीं है। ये 200 हैं और 100 पटेल साहब ले चुके हैं, ये लो। ये रखो और उषा जी को भर के दे देना। ठीक है। तीन मिल गया, 300। हाँ यही तो। मैडम ये फॉर्म जमा करना था। लंच तक ही जमा करते हैं क्या? हाँ तू बोल, कहा ना 1:30 बजे तक ही जमा करते हैं फॉर्म। पर मैडम कल आना, कल टुमारो। हाँ तू नहीं यार, तू समझी नहीं। उषा जी ये मुसद्दी भाई इनका फॉर्म जमा करना, देखा हो गया ना काम? जी थैंक यू। नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? तुम्हारा फॉर्म जमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले भाटिया जी के साइन तो ले आओ। साइन भी लगेंगे? हाँ वो ओके करेंगे, वो देखेंगे कि तुम लोन देने के लायक हो कि नहीं, उसके बाद जाके फॉर्म जमा होगा। क्या यार तुमने तो कहा था जमा हो जाएगा। अरे यार तुम खुद ही अधूरा फॉर्म बनते हो, जब भाटिया जी के साइन करा लो ना। ये भाटिया कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं। क्या लोन? नहीं मेरा साइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम वैलिड ही नहीं हो। क्यों वैलिड क्यों नहीं हो? तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है? नहीं है। बस ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जिनका YCYC मी बैंक में अकाउंट है। पर ये कहाँ लिखा हुआ है? तुमने फॉर्म ठीक से पढ़ा है? नहीं मैंने खुद भरा ही नहीं है तो ठीक से पढ़ूंगा कैसे। बस तो फिर जाओ। कहाँ? घर। तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। अगर मैं अकाउंट खोल लूँ तो आओ। कहाँ? यहाँ तुम्हें लोन मिल जाएगा। अच्छा तो लोन मिलने के लिए क्या करना होगा? आपको पैसे भरने होंगे। पैसे कैसे भरने होंगे? फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? फॉर्म लेना होगा। नहीं भाई, भाई मैं फॉर्म जमा नहीं करूंगा। अरे भाटिया साहब क्यों जमा नहीं करेंगे आप? आपको मेरे फॉर्म से दुश्मनी क्या? आपने कहा था लोन लेने के लिए अकाउंट खोल दो, तो अकाउंट ही तो खोल रहा हूं, उसका फॉर्म जमा कर रहा हूं। गारंटी नहीं है ना, तो चारों तरफ तो लिख रखा ना आपने कि गारंटी की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। अरे यार ये लोन लेने का फॉर्म है। नहीं है तो ये अकाउंट खोलने का। फिर हम गारंटी मांग रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए, लोन हम बिना गारंटी के ही देंगे, समझे? जाइए किसी गारंटर से साइन करा के लाइए, तब खुलेगा अकाउंट। देखिए प्लीज हेल्प कर दे, हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। तुम लोग बहुत परेशान कर देते हो एकदम। पटेल पटेल क्या हुआ भाटिया? यार एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, ऊपर से यार नहीं, मेरा दिमाग खा रहा है यार। ओ भाई साहब क्या हुआ, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है भाई साहब, बात यह है कि मुझे लोन चाहिए, लोन के लिए इन्होंने कहा अकाउंट खोलना है, अकाउंट के लिए गारंटी चाहिए, गारंटी मेरे पास है नहीं, इसके लिए ये परेशान है, इसलिए इन्होंने आपको बल्कि कह दिया है। पटेल कुछ बोल रहे यार। हाँ तो आप गारंटर ले आइए ना। कहाँ से लाऊं? इस बैंक में आप किसी को जानते हो? मैं आपको जानता हूँ। मगर मैं आपको नहीं जानता, हुआ यू। अरे भाई कोई ऐसा आदमी जो आपको भी जानता हो। कौन है ऐसा? कोई है ऐसा? अरे ऐसा कोई आदमी जिसके कभी काम आए हो जिंदगी के अंदर? अरे पागल हो गए हो क्या? मैं आज तक कभी किसी का काम नहीं आया हूँ। हाँ एक आदमी के काम आया था, उसे मैं जानता हूँ। किसे? तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, बोलो। हाँ पहले बताओ काम क्या है। अरे मेरे अकाउंट पे गारंटी दे दो यार। हाँ हाँ कर दो ना यार। बताओ कहाँ साइन करना है? वहाँ करना है, ये लो पेन। 500 रुपये। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो। कोई बात नहीं, मेरा वक्त आएगा फिर देखना। तब के तब देखना। देखना क्या है, शुक्ला ने किए साइन? हाँ बस हो गया, मैनेजर साहब के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, खुल गया अकाउंट। अब खुल जाएगा ना? कैसे खुलेगा, फोटो तो लगाया ही नहीं। हाँ यहाँ फॉर्म पे फोटो भी लगाना है। फोटो भी लगाना है क्या? फॉर्म 36 पढ़ा नहीं है ना? अरे आप अकाउंट खुलवाने आए हैं या? मैं तो लोन लेने आया हूँ। तो लोन लीजिए ना, अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं? अरे मैं तो लोन ही लेने के लिए आया था, वो भाटिया साहब ने कहा कि लोन लेने के लिए अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अच्छा आपको नहीं पता? ना। आप बैंक के मैनेजर हैं? क्यों कोई शक है क्या आपको? अब तो पूरा यकीन हो गया। क्या? कि आप बैंक के मैनेजर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपको बैंक के नियम ही नहीं मालूम है। पता है ना? क्या नियम? क्या नियम है? कि लोन लेने के लिए अकाउंट खोलना जरूरी है। पर अभी तो आपने कहा था आपको पता नहीं है। वो तो हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। मेरा क्यों? आपको नियम मालूम है कि नहीं, इस बात का इम्तिहान ले लिया। हाँ दे दीजिए। क्या लोन? तो अकाउंट खुलवाइए। तो खोल दीजिए ना। फोटो चिपकाइए। तो चिपका दीजिए ना। अरे कमाल के आदमी आप, अकाउंट आपको खोल रहे हैं, फोटो हम कहाँ से लाएंगे? आपके पास नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है, आपके पास है क्या फोटो? हाँ है। तो चिपका दीजिए ना।
अरे बड़े अजीब आदमी आप, अकाउंट आपको खोलना है, मेरा फोटो कैसे चिपकाएंगे आप? दिमाग ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे कार लोन लेने के चक्कर में मेरा तो दिमाग चकरा गया। वैसे ऐड दिया था आप लोगों ने, वो लिखा है नो गारंटी नो प्रॉब्लम नो पेपर्स, लेकिन लोन कम देंगे टेंशन ज्यादा दे दिया। मुझे लगता है वाकई आप टेंशन में आ गए। ओ या फोटो ही तो लगाना है ना। ओ या एक मिनट, पटेल साहब जरा अंदर आइए, अभी खिंचवा देते हैं। यस सर। पटेल साहब इनका एक फोटो ले लीजिए। आइए जाइए। थैंक यू। ओके सामने देखिए, अभी नीचे देखिए, और नीचे, वेरी गुड। ओके ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर, किधर गया एक मिनट ना, देखिए ऊपर, अभी पीछे देखिए, और पीछे और पीछे, आए शाबाश। ओके अभी राइट में देखिए, राइट, वेरी गुड, लेफ्ट, शाबाश। और अभी स्माइल स्माइल से चीज, कीप ऑन सेइंग कीप ऑन सेइंग कीप ऑन सेइंग, वेरी गुड। नाउ से ऊ, ओके नाउ थोड़ी रोनी सूरत बनी। अरे रोनी सूरत बनाने की जरूरत क्या है, दो चार फोटो और खींचोगे तो रोना तो वैसे ही आ जाएगा। क्या करूं, नहीं खींचूं क्या? भी इतनी फोटो क्या करोगे? अरे बच्चों को डराऊंगा क्या? अरे लगेगी भाई साहब, लगेगी, सारी फोटो लगेगी। कहां लगेगी? अरे देखो, एक बैंक में, एक बस स्टैंड में, एक रेलवे स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्यों? पहले से देख के रखते हैं, कोई लोन वोन लेकर भाग भाग गया तो पकड़ने में आसानी होती है ना। पर मैं भागूंगा क्यों? वो तो पता है, इतनी फोटो खींचने के बाद कोई भागने की हिम्मत नहीं करता भाई साहब। एनीवे एक आध घंटे में फोटो आ जाएगी, फिर पांडे जी से साइन ले लेना और भाटिया जी के पास जमा करा देना। ओके जी। ये हुई ना बात। फोटो है, साइन है, ये है वो है, 500 रुपए से अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन खुलेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। पर राशन कार्ड के लिए तो आपने कहा ही नहीं था। अरे भाई राशन कार्ड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। तो आप एक एक करके क्यों बताते हैं भाई? अरे आप भी तो एक एक करके गलतियां कर रहे हैं, जाओ राशन कार्ड लाओ। पर वो तो घर पे है। हाँ तो घर से लेके आओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा ना। तो ठीक है कल लेके आता हूँ मैं। हाँ कल, लेकिन लास्ट डेट है लोन सैंक्शन करने की। हाँ तो कल घर से ले आओ, और कोई चीज तो नहीं लानी बता दीजिए। इनकम टैक्स की फाइल है, उसके लिए तो कहा नहीं था? नहीं नहीं हम जब सब ला रहे हो तो वो भी ले आना। ठीक है ले आऊंगा। और कुछ? घर से? हाँ घर से कुछ खाने को तो ले आना यार। ओके गुड मॉर्निंग पांडे जी, भाटिया जी, शुक्ला जी, पटेल साहब, उषा जी, आपने जो जो कुछ मंगवाया था मैं सब लेके आया हूँ, जो नहीं भी मंगवाया था वो भी लेके आया हूँ, और खाना भी लाए हैं। ये रहा खाना, ये लिया। और ये रहा राशन कार्ड और साथ में इनकम टैक्स की फाइल। वेरी गुड, उषा जी साइन कर दीजिए प्लीज। जी जी बस अब तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। भाई साहब ये काम ऐसे आप पहले भी करवा सकते थे, आप एड में पहले ही लिख देते ना। एड में तो आप लिखते हैं नो गारंटी नो पेपर वर्क नो ये नो वो, लेकिन लोन ले आओ तो ये भी लाओ और वो भी लाओ। भाई अगर ऐसा ना लिखें तो आप लोग आएंगे कभी नहीं। इसलिए लिखा। सर मुसद्दी के सारे पेपर्स रेडी हैं। अब तो मुझे लोन मिल जाएगा ना? 80% मिल जाएगा, आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं क्यों? क्या लिखा क्या इसमें? भाई इसमें ये लिखा है कि आप लोन ले रहे हैं। नहीं लोन तो मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है ये लीजिए, मैंने साइन कर दिए, अब आप साइन कर दीजिए के आप लोन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, हेलो पांडे जी स्पीकिंग। जी सर। क्या सर? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ क्या हुआ सर? सॉरी सर। क्यों सर? आपको लोन नहीं मिल सकता। क्या सर? क्योंकि अभी अभी हेड ऑफिस से फोन आया है कि लोन की जो ये स्कीम थी ये अभी अभी खत्म कर दी गई है। क्या? हाँ। अरे इतने चक्कर लगाने के बाद ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं भाई? अब बुरा मत मानिए, चलिए कम से कम इतना तो हो गया कि हमारे वाईसीआईसी मी बैंक में आपका अकाउंट खुल गया। यही तो, अब आना जाना तो लगा रहेगा। आपके घर से खाना भी आता रहेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम आपसे पेपर भी नहीं लेंगे, तो गारंटी भी नहीं लेंगे सर, फोटो भी नहीं लेंगे, राशन कार्ड भी नहीं लेंगे, फॉर्म भी नहीं लेंगे। पर लोन देंगे कि नहीं देंगे भाई? उसके लिए फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा जी।